गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 9 क्या बोल रहा है? चैप्टर 9 के बारे में बात करेंगे, लाइफ इन द वुड। लाइफ इन द वुड, वुड का मतलब पहले बताओ क्या होता है। वुड का मतलब होता है लकड़ी। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है बच्चा? लकड़ी हमें मिलती है प्लांट से। कहाँ से मिलती है बच्चों? लकड़ी प्लांट से मिलती है, राइट। तो इसमें क्या बात की है, जैसे ये बताओ मुझे फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे क्या हो, पेड़ हो, बहुत सारे क्या हो, पेड़ हो। और जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट में, जो मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता है? आपने देखा है जब मान लो ये प्लांट है, प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे ये कोई भी मतलब फल है, फल पकने के बाद वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, वहाँ से बीज बनता है, बीज से फिर से वो प्लांट बन जाता है। इस टाइप से क्या होता है बच्चे, प्रोसेस होती जाती है जब बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या बात करेंगे, उसी फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है, वुड क्या होती है, हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, लकड़ियों का या फिर प्लांट्स का इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारी लाइफ में, राइट बच्चों, उनके बारे में बात करते हैं। फॉरेस्ट इज अ मेजर एनवायरमेंट रिसोर्सेज, इनकी जो फॉरेस्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, मेजर एनवायरमेंट रिसोर्स, मतलब बहुत बड़ा एनवायरमेंट क्या करता है हमारी लाइफ के लिए, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। कौन? फॉरेस्ट। क्या फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इंटरेक्टिंग विद फिजिकल एनवायरमेंट एंड वन अनदर। ये बताओ इकोसिस्टम का मतलब बच्चों, हम सिंपल सी बात करेंगे, जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के साथ और एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स इनकी तरफ दे मेंटेन द अर्थ नेचर बैलेंस, और ये क्या मेंटेन करते हैं बच्चों, अर्थ का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। द मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट देन एनी अदर एनवायरनमेंट। अच्छा ये बताओ, आप जैसे कि मान लेते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं बच्चों, कुछ प्लांट्स जैसे अगर हम बात करेंगे, कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है अपने आप को बड़ा करने के लिए, और कुछ प्लांट्स को बिल्कुल भी हीट नहीं चाहिए होती है अपने आप को बड़ा करने के लिए। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे राजस्थान में क्या होता है बच्चों, बहुत गर्मी होती है। अगर हम राजस्थान के प्लांट्स को यहाँ अपने यहाँ ला के लगा देते हैं, या फिर हमारे यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको हम राजस्थान में जाके लगा देते हैं, तो क्या ये अच्छे से एक दूसरे को अपने आप को ग्रो कर पाएंगे? राजस्थान का जो प्लांट होगा वो हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जो हमारे यहाँ का प्लांट होगा वो राजस्थान में सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि सबका एक पर्टिकुलर नेचर होता है, वो किस टाइप से मतलब एनवायरमेंट होता है हर चीज़ के लिए, अब जो कि एक मतलब एनवायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं ये, ठीक है। ट्रीज एब्जॉर्व एंड रिलीज गैसेस दैट रेगुलेट क्लाइमेट, 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट अर्थ लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। क्या आप ये बताए ना, जो हमारा अर्थ है ना बच्चों, हमारे अर्थ पे वन थर्ड क्या है, हमारे एनवायरमेंट में प्लांट्स हैं। क्या हैं? प्लांट्स में। और ये हमें पता है कि प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देगा, ये बताओ। ऑक्सीजन क्या हम कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन प्लांट से ही तो लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड देखो, हमारे एनवायरनमेंट कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो अपने आप को, वो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे को क्या करें, मेंटेन रखेंगे, बैलेंस रखा। तो हम लोग जो गवर्नमेंट है या फिर लोग जो हैं वो लोग क्यों बोलते हैं कि हमें प्लांट्स नहीं काटने चाहिए, इसीलिए ताकि जो अर्थ है उसका बैलेंस खराब ना हो जाए, ठीक है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जो फॉरेस्ट होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी जो बह के चली जाती है। जैसे सिंपल बारिश होती है, आपने देखा होगा बारिश होती है, जब बारिश होती है तो पानी क्या होता है बच्चों, पानी के साथ आपने देखा उसमें मिट्टी भी बह के चलना स्टार्ट कर देती है। तो हम जो सॉइल इरोजन इनकी जो प्लांट्स होते हैं क्यों लगाते हैं, ताकि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो रूट्स का मतलब जो जड़ होती है वो अच्छे से मिट्टी को क्या करें, पकड़े रहें, और वो मिट्टी जो है पानी के साथ बहकर वो चली ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, वो प्लांट जो इनके फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को बचा के रखते हैं। द रूट ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे बाय द नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड रनिंग वाटर। फॉलन लीव्स एंड ट्रीज आर डिकम्पोज नेचुरली, दे ऐड फर्टिलिटी टू द सॉइल, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट प्रोवाइड अस, इनकी जगह फॉरेस्ट से हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फ्रूट्स मिल गया, मेडिसिन मिल गया, ये आपको ये तो पता ही है ना क्या क्या चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट में, कि हम प्लांट्स के बिना कुछ भी नहीं है सिंपल। जैसे कि हम अगर हमें खाने के लिए भी चाहिए तो भी हम पूरा का पूरा प्लांट्स पे डिपेंड है, जैसे कि फ्रूट्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, हर्ब्स चाहिए, हनी चाहिए, इस टाइप से हमें क्या चाहिए, सारी की सारी हम लोग
हम लोग कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, ट्राइबल्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है, देखो ट्राइबल का मतलब हुआ आदिवासी, क्या बोलते हैं ट्राइबल का मतलब आदिवासी, ठीक है, ट्राइबल्स का मतलब हुआ आदिवासी। इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट फॉरेस्ट रिच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बिसाइड द प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट आर होम टू सेवरल ट्राइबल्स टू। यानी कि जो इंडिया है वो 10th नंबर पे आती है अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में ओवरऑल 200+ कंट्रीज हैं बच्चों, और 200+ कंट्रीज में हम 10th पोजीशन रखते हैं। कौन सी पोजीशन रखते हैं बच्चों, 10th पोजीशन रखते हैं, जिसमें हमारे यहाँ वर्ल्ड में क्या होता है, यानी कि एनिमल्स के साथ साथ हमारे यहाँ आदिवासी जिसको ट्राइबल्स बोलते हैं वो भी, इनकी एनिमल्स का तो घर होता ही है फॉरेस्ट, उसके साथ हमारे यहाँ क्या होता है ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी का भी घर होता है। देखो दे आर ऑल्सो नोन एज आदिवासी, इनको क्या बोला जाता है, आदिवासी बोला जाता है, ठीक है। आदिवासी का सिंपल मतलब समझो बच्चों, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी अच्छे से देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार वगैरह, जिससे हम इजीली क्या करें इजीली हम कहीं यहाँ एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो आदिवासी के पास बच्चों ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इसका मतलब हम लोगों के पास जितनी फैसिलिटीज़ है उसका वो 0.01% भी उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तभी तो वो क्या, तभी मतलब वो उनको क्या लगता है, वो जो फॉरेस्ट में थे उनको लगता है यही उनका जीवन है, उनके पास कुछ भी नहीं होता इतनी, ठीक है। दे लिव और नियर द फॉरेस्ट एंड यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये लोग कैसे रहते हैं, इनके या तो जंगलों में रहते हैं और जंगलों की चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे खाने के लिए इनको क्या चाहिए, खाने के लिए इनको वही फ्रूट्स वगैरह खाएंगे ये लोग, और इनको जैसे कि किसी भी एनिमल्स का शिकार कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से इंडियन ट्राइबल पीपल प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो इंडियन जो ट्राइबल्स हैं कि इंडिया के जो लोग हैं, इनकी इंडिया के लोग मतलब आदिवासी जो हैं, उनको क्या इनके अलग अलग कल्चरल हेरिटेज होते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रू हैबिटेंट ऑफ इंडिया। दे लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया विच ट्रेडिशनल, कि इनका सब ये जो है ये आदिवासी जो है अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे कि उनकी लैंग्वेज अलग होती है, पूरा कल्चर अलग होता है, ट्रेडिशन सबका क्या था इनका सबका, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल होते हैं होली, दिवाली और ये रक्षाबंधन, इस टाइप के फेस्टिवल होते हैं, तो इनके यहाँ बेटा इनके यहाँ अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, ये लोग इनका ट्रेडिशन अलग होता है, कल्चर अलग होता है, इनकी लैंग्वेज अलग होती है। जैसे हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज सब जगह बोली जाती हैं, साउथ में लोग कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, ऐसे ही हम यूपी में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलता है, बहुत सारी लैंग्वेज सब, इसका मतलब सबका कल्चर क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। दे कैन बी सीन इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी कि इन ये सब कहाँ पे पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, ये सारी सारी कौन सी ये ट्राइबल्स जो है कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं खासी एंड जयंतिया हिल्स पे, ठीक है, खासी एंड जयंतिया हिल्स, ठीक है। द आदिवासी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड फ्यूल। जो आदिवासी किस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि द आदिवासी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल होता है उनके उस पूरा जी जंगल पे डिपेंड, जैसे कि रहेंगे भी जंगल में, जंगल से ही खाना खाएंगे, फ्यूल भी ये जंगल से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी ये चीज़ें करते हैं। उनकी क्या बोलते हैं इनको, दे मेक क्लॉथ फ्रॉम हाइड ऑफ एनिमल्स। इनको जो क्लॉथ चाहिए होते हैं, उनके पास कपड़े थोड़े ना होते हैं, इनको कपड़े कैसे करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं, एनिमल्स के शिकार करने के बाद उनके ऊपर जो स्किन होती है उसको निकालते हैं, और उसका क्या करते हैं ये बच्चे, उसका यूज़ करते हैं, राइट बच्चों। ट्राइबल्स यूज लिफ, जिनके जो ट्राइबल्स यूज लीफ, बाग, गम्स, लेग टू मेक यूजफुल आइटम टू बास्केट, मैट, प्रोलॉप, बोज एंड एरोज। इनकी जो ट्राइबल्स होते हैं बच्चों, इनको वो ये क्या करते हैं, ये कोई भी चीज़ जैसे कि इनको बनाना होता है तो उसी चीज़ से, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं या फिर बाग के, इनकी जो पेड़ की जो छाल होती है, गम्स होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बास्केट बना लिया इन्होंने, और जैसे कि बास्केट के ये मैट बना लिया, रोप बना लिया, इस टाइप से क्या करते हैं बच्चों, ये बनाते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। और जो लेडीज़ होती हैं बच्चों, जो आदिवासी लेडी, उनके पास तो ऑर्नामेंट्स होते नहीं, ऑर्नामेंट्स मतलब जो हमारे घर में हमारी मम्मी या बहनें जो पहनती हैं, या जिसको बोलते हैं गोल्ड वगैरह, या फिर रिंग वगैरह, या फिर ईयर रिंग, नोज रिंग, हमारे पास तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ये लोग क्या है, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं, इवन ये जानते भी नहीं ये सारी चीज़ें होती क्या है,
से ये लोग क्या करते हैं बच्चों, विमेन जो होती है मतलब जो आदिवासी विमेन होती है वो क्या यूज़ करती हैं, यूज ग्रास बीट सीड फ्लावर्स एंड सेल्स टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड लाइक ब्रासलेट नेकलेस इयर रिंग्स। तो जो घास होती है ना बच्चों, घास का या फिर जो तिनका वगैरह फ्लावर्स फूल वगैरह से ये लोग क्या करते हैं, जो लेडीज़ होती है वहाँ की आदिवासी लेडीज अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, या फिर जैसे हमारे यहाँ हमारी जो हम जो लेडी हमारे जो लेडीज़ होती हैं इयर रिंग्स पहनती हैं सुंदर बनने के लिए, इयर रिंग नोज रिंग हो गया ठीक है इस टाइप से, तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों घास के तिनके से अपना क्या बनाएंगे, नेकलेस बनाते हैं, इयर रिंग्स बनाते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ताकि वो अपने आप को सुंदर बन सकें, फ्लावर का यूज़ करेंगे ठीक है। ट्राइबल्स डिफरेंट स्टेट में देखो अलग अलग डिफरेंट स्टेट की बात करते हैं, जो ट्राइबल्स हैं ट्राइबल्स मतलब आदिवानर आदिवासी जो हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं ठीक है। जैसे कि संथाल्स हो गया, मुंडास हो गया, खासी हो गया, अंगामी हो गया, भिल्स भूटिया, ये सारे सारे क्या हैं बेटे, ये सारे के सारे आदिवासी हैं, इनके नाम हैं। अब देखो यहाँ पर ये नाम जो इधर रखें ये तुम्हें ये जैसे कि हम बात करेंगे अंडमान निकोबार पे कौन मिलता है, जैसे अंडमानी खोरा निकोबारी ऑनजी सेंथलीज ये सारे के सारे आपको जनजाति मिलती हैं, आदिवासी को हम जनजाति भी कह सकते हैं ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि ये हो गया अबोर खामसी बॉम्बा सिंगपो ये टाइप से यहाँ मिलती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिलती है, मुंडास एंड गोंड्स मिलती है। झारखंड में बंजारा भुरा ये सारी सारी यानी कि ये देख आप यहाँ पे यहाँ से आप सारी की सारी पता कर सकते कौन सी जो जनजाति या फिर कौन सी आदिवासी या कौन सी या फिर कौन सी ट्राइबल यहाँ पे मिलते हैं ठीक है। देखो अभी क्या जैसे हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो ऐसे ही इनके यहाँ भी जो आदिवासी होते हैं इनके यहाँ भी कुछ कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, तो इनके अपने ही फेस्टिवल्स होते हैं ठीक है। ट्राइबल लव टू सिंग, अब जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं हमारे होली हो गई दिवाली हो गई, अगर यहाँ पे हमारे कोई बर्थडे वगैरह तो हमारे सॉन्ग हमारे यहाँ लेडीज़ों को बुलाकर इकट्ठा तो गाने वगैरह गाते ना, ऐसे इनके यहाँ सेम होते हैं बट इनकी लैंग्वेज अलग होती है, कल्चरल अलग होता है, फेस्टिवल अलग होते हैं इस टाइप से ठीक है। द ट्राइबल्स लव टू सिंग एंड डांस ड्यूरिंग रिलीजियस एंड एग्रीकल्चर फेस्टिवल। दे प्ले इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट सारंगी एंड ड्रम, यानी ये क्या यूज़ करते हैं, फ्लूट का यूज़ करते हैं, सारंगी का यूज़ करते हैं, ड्रम का यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो सिंग एंड डांस एट वेडिंग एक्सपेशन, यानी कि ये क्या करते हैं, ये शादी में डांस वगैरह भी करते हैं ठीक है। रिलीजियस की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं बच्चों, जैसे हमारे यहाँ हम लोग अपने भगवान जी पर या फिर अपने ईश्वर पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, ये हमसे जैसे हम लोग बिलीव करते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी बिलीव करते हैं अपने भगवान पे ठीक है। द ट्राइबल एक्सप्रेशन, द ट्राइबल एक्सप्रेस देयर फेथ एंड रिलीजियस ऑल थ्रू द आर्ट एंड क्राफ्ट। दे बिलीव इन एलोबरेट रिचुअल्स, दे वर्शिप द नेचुरल फोर्सेज लाइक सन सॉइल ट्रीज। ये क्या करते हैं जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना वैसे ये पूजा करते हैं, बट ये क्या करते हैं नेचुरल फोर्सेज जो होते हैं नेचुरल फोर्सेज उन पे ज्यादा उनको इन पे ये बिलीव करते हैं, जैसे सन पे बहुत बिलीव करते हैं, सॉइल हो गया ट्रीज हो गया इनकी पूजा करते हैं। दे सेक्रीफाइस एनिमल टू डाइटीज एज दे बिलीव इन पावरफुल ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन ट्रीज ईटीसी ठीक है। इस टाइप से पूरा का पूरा ये बिलीव करते हैं, जैसे कि अगर इनके यहाँ कोई भी जैसे कि अगर कोई भी बात करेंगे फेस्टिवल हुआ तो ये जैसे कोई भी नई फसल होती है तो पूरा उस पर डांस करते हैं, डांस करने के बाद ये क्या करते हैं जब पहली जो फसल होगी जब पहले फ्रूट्स वगैरह होंगे या पहले सीजन का कुछ भी इनके यहाँ जो भी फसल या फिर कोई भी फ्रूट्स आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं पूजन की भगवान जी को क्या करते हैं अर्पण करते हैं। ये क्या है केस स्टडी बाय बिस्नॉइज, देखो बिस्नॉइज की बात केस स्टडी करते हैं किसकी, बिस्नॉइज देखो बिस का मतलब होता है बच्चों 20, बिस का मतलब क्या हुआ 20 एंड नॉइज मतलब हो गया 90 है बिस्नॉइज। हम बात करेंगे है क्या बिस्नॉइज इज अ रिलीजन, क्या है बिस्नॉइज क्या है बच्चों एक रिलीजन है ग्रुप इन द वेस्टर्न थार डेजर्ट एंड नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स। दे फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल प्रिसाइसली 29 अकॉर्डिंग टू विच, देखो सिंपल यहाँ पे कहता है बिस्नॉइज मतलब बच्चों जो कि ये कहाँ पर होता है ये थार डेजर्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में ये होते हैं ठीक है। दे फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, ये क्या फॉलो करते हैं सर्टेन इनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब बच्चों हमारे स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल का मतलब होता है रिचुअल्स, जैसे कि कौन कितना अपने आप को प्रिंसिपल से एग्जैक्टली मतलब बोल सकते हैं हम अपने सिद्धांत एग्जैक्टली सिद्धांत प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत कौन अपने सिद्धांतों पर रहता है लाइक principally 29 according to which the tree and wildlife must be protected। यहाँ पे क्या है जो ये क्या करते हैं जो ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं बहुत अच्छे से केयर करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम हार्मिंग द एनवायरमेंट मीन्स हार्मिंग वन ओन सेल्फ,
यानी कि इनका मानना ये है, बिस्नाइस का मानना ये है कि हम प्लांट्स वगैरह को अगर प्लांट वगैरह काटेंगे या फिर उनको हार्म पहुंचाएंगे, तो ये इनका सिंपल सवाल, अगर हमने प्लांट्स को हार्म किया, हार्म का मतलब बच्चों अगर हमने प्लांट्स को काटा या फिर इनको कुछ भी छेड़खानी की, यानी तोड़ा कुछ भी किया, तो ये हम ये सोचते हैं कि हम अपने साथ या अपने बच्चों के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स प्लांट्स, मतलब किसी को ना तो काटने देते हैं ना खुद काटते हैं। ठीक है, द कमिटी ऑफ बिस्नोइस हैज बैंड द स्केल्स ऑफ एनिमल्स फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ट्रीज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। दे इवन सी इट दैट द फायरवुड दैट दे कॉज यूज नॉट टू इवन, ये यहाँ पे सब कुछ उसी के बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चे, ये क्या है, एक अमृता देवी है। ये कौन है, एक अमृता देवी एक लेडी है जिन्होंने क्या किया, इन्होंने अमृता देवी क्या है, एक विस्मोई वेमैन है जिन्होंने 363 अदर बिस्नोइस डाइट सेविंग द केस, ये दैट इज कचराली ट्रीज, यानी कि यहाँ पे कोई ट्रीज पेड़ होते हैं दैट इज कचराली ट्री होते हैं, उनको बचाने के लिए 363 लोग मारे गए। इवन ये लोग इतना प्यार करते हैं पेड़ों से कि किसी को कुछ नहीं कहने देते। इवन यहाँ बहुत इस आंदोलन को करने के लिए, आंदोलन बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, आंदोलन किए, आंदोलन मतलब उनके अगेंस्ट रहे जो गवर्नमेंट को काटने के लिए या फिर जो लोग उनको काटने के, पेड़ों को काटने के लिए आते थे। दे अपोज द किंग मैन हु हैड कम टू कट ट्रीज एंड प्रिफर्ड टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर सेविंग द ग्रीन ट्रीज। ठीक है, यानी कि जो वहाँ के जो मेन होता था उससे भी जाके क्या किया कि उन्होंने अपने आप को, मतलब इतना जो लेडीज हैं ये वाली, इन्होंने क्या किया, जो भी मेन बंदे थे मतलब मेन किंग जो था वहाँ का, उसने बचाया, उस क्या किया उसके अगेंस्ट जाके कि दे अपोज द किंग मैन, जो राजा के जो मैन मतलब राजा जो था किंग्स मैन हु हैड कम टू कट, इनकी जो वहाँ पर आया पेड़ों को काटने के लिए आया, टू एंड प्रिफर टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर सेविंग ग्रीन ट्रीज, उसको क्या किया गया, बचाया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं बच्चों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे, यानी कि शिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, शिफ्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह करना। कल्टीवेशन मतलब प्लांट्स को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह लगाने की बारे में बात करते हैं। सम ट्राइबल्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, इसको क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खेती करने का। दे क्लियर अ पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड ग्रो क्रॉप्स देयर, वंस दैट पैच लॉसेस इन फर्टिलिटी दे मूव टू अनदर पैच ऑफ लैंड। देखो इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे एक बार खेती की, मतलब एक जगह की हम बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर उन्होंने खेती की, यहाँ पे खेती की, पूरे खेती करने के बाद इन्होंने खेती हटा ली, मतलब खेती के बाद इन्होंने पूरा मतलब फ्रूट्स हुए या फिर कोई भी चीज़ लगाई, यहाँ से एक बार हटने के बाद ये यहाँ से शिफ्ट हो गए, मान लो यहाँ पर आ गए, अब इनको लगा ये चीज़, अब इनको लगा ये जगह जो खराब हो गई, इनको ऐसा लगा, तो क्या कि ये दूसरी जगह का, यहाँ पे फिर से इन्होंने खेती की, इस टाइप से खेती की, फिर यहाँ से इन्होंने यहाँ की फसल लेने के बाद दूसरी जगह खेती की, तो इनकी एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बस यही इसने बताया है। Some other tribals practice less to burn method. They cut and burn trees in a particular patch of land. The ashes mixed with the soil and increase the fertility of soil to grow rice. The method has adverse effect of. देखो जब हम बच्चों अभी क्या करते हैं, हमारे जो farmer हैं, किसान जो हमारा खेती करने के बाद उसको खेती जब खेती करते हैं वहाँ पे जो थोड़ा बहुत उसके जो खेत में बचती है फसल उसको क्या करता है, जला देता है, ये जलाते हैं तो उसको क्या होता है बच्चों, एनवायरनमेंट में हमारे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, गंदा इफेक्ट पर तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, बैन किया हुआ है कि अब हम क्या करेंगे, खेती की जो जिनकी अवशेष जो बचते हैं उसको नहीं जलाना। दिस मेथड हैज़ एडवर्स इफेक्ट, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, इट कॉज डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू नेचुरल क्लाइमेट, और ये क्या करता है, इनकी डिफॉरेस्टेशन को वो कर चैलेंज करता है, और फूड लैंड की फ्लड आती है, लैंड ये सारी चीज़ें वहाँ से होना स्टार्ट हो जाती है जब ये सारी चीज़ें। सिंपल अगर हम बात करते हैं तो बच्चों देखो, अगर हम प्लांट्स को जलाएंगे इनकी जो चीज़ें बचती हैं वो क्या करेंगी, वो जाएंगी एयर में जाएगी, तो क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या को हमें प्रॉब्लम्स होगी ना, जब हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो हम
क्या इजीली सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना. बस क्या है ये थ्रेट टू ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात करते हैं. रैपिड अर्बनाइजेशन इज अ बिग थ्रेट टू ट्राइबल कम्युनिटीज एज फॉर एज देयर ड्वेलिंग प्लेसेस. देखो अभी इस टाइम क्या हो रहा है, अभी आज के टाइम में अगर बात करेंगे बच्चों तो अर्बनाइज मतलब होता है चीज़ें शहरीकरण में बदल रही हैं. एक तो पहले रूरल एरिया था हम लोग, पहले सब लोग गांव में रहते थे, अब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं गांव से शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ की तरफ, शहर की तरफ. अब देखो भाई शहर कैसे बने, यहाँ पे कुछ पहले जब जहाँ पे हम लोग रहते हैं पहले यहाँ क्या था, खेती वगैरह थी. अब लोगों ने क्या किया, खेती वगैरह सेल आउट कर दी, सेल आउट मतलब खेती वगैरह बेच दी. जब खेती वगैरह बेच दी तो क्या होगा, हमारे पास खेत नहीं रहेंगे तो क्या हो, अर्बनाइजेशन आएगा. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण बढ़ेगा तो हम लोग क्या करें, अभी हमने खेत काटे फिर जंगल काट रहे हैं, और जंगल में कौन रहता है बच्चे, जंगल में रहते हैं आदिवासी. तो उनके लिए क्या हो, उनके आदिवासी रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए क्या हो रही है, ये प्रॉब्लम होगी भाई. जब हम जंगल वगैरह काटेंगे तो आदिवासी या एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? सिंपल, आदिवासी का घर क्या है, उनका आदिवासी का घर तो जंगल है. एनिमल्स का घर क्या है, एनिमल्स का भी घर जंगल है. तो भाई अगर हम उनके घर यानी कि जंगल को हम हटाएंगे यानी कि उनके घर को हटाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और डेफिनेटली होगी. ठीक है, द फॉरेस्ट आर कट डाउन टू सेट अप इंडस्ट्री सेटअप इंडस्ट्री. जो फॉरेस्ट काटने के बाद क्या, या तो इंडस्ट्री बना देते हैं लोग. द ट्राइबल्स हैव टू एवेक्यूएट द प्लेस और आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द एरिया. दे कैनॉट यूज़ प्रोडक्ट ऑफ दैट लैंड. ठीक है, यानी कि हम वो क्या है, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. कौन, जो आदिवासी होते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड सम एरियाज एज प्रोटेक्टेड एरियाज. यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट किया है. ठीक है, दे इंडल्ज रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कटिंग ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड इन द एरियाज सच आर नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व. देखो कुछ यानी कि कुछ जो हमने बात फॉरेस्ट क्या किया, जब इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, इनको क्या किया है, और हंटिंग जो एनिमल्स उनको प्रोहिबिट किया, यानी कि जंगल काटने से या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाना या फिर नेशनल पार्क्स को बचाना, इनको क्या किया है, इनको बचाना है, और उनको क्या किया है, जो एनिमल्स हंटिंग करते थे बच्चों उनको बैन किया और प्रोहिबिट किया हुआ है. ठीक है, सच एरियाज आर ऑल नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व के यानी कि कुछ बायोस्फीयर रिजर्व कौन से होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई. ठीक है, ये सारी, और इनको ये सारी सर क्या बायोस्फीयर रिजर्व में चेंज किया हुआ है. दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम एंड कंजर्विंग नेचुरल डाइवर्सिटी. इन्होंने इनकी ये क्या करते हैं बेटा, इकोसिस्टम और नेचुरल डाइवर्सिटी को ये बनाए रखते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कुछ दे रखा है. अब ये इनकी यहाँ पर जो हमें मिलते हैं ये मतलब जिम, ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पार्क बोल सकते हैं. जैसे कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में है. ये किस लिए फेमस है, ये है बंगाल टाइगर के लिए फेमस. सुंदरबन कहाँ पर है, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में. ये कहाँ पर, ये टाइगर की, किस लिए फेमस है, ये टाइगर रहता है यहाँ पे. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लिए फेमस है, उसमें कौन रहता है, ये मानस किस लिए फेमस है, असम में है, और किस लिए, एशियन एलिफेंट रहते हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क बेटा ये वन इनकी वन हॉर्न राइनोसॉरस रहता है, ये असम में होता है. गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है, और एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है ये. पेरियार वन्य जीव की पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लिए फेमस है, केरला, ये केरला में, और एशियाटिक एलिफेंट के लिए फेमस है. ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर, राजस्थान में है. ये कहाँ पर, ये बंगाल टाइगर में, इसके लिए, सॉरी, ये कहाँ पर, राजस्थान में, किस लिए फेमस है, ये बंगाल टाइगर के लिए. और ये आप, ये इंपॉर्टेंट बच्चे, ये आप क्या करोगे, इसको याद करोगे. ठीक है, अ फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. ये हमें पता ही कि फॉरेस्ट तो क्या है, फॉरेस्ट क्या है, अ फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड फिजिकल एनवायरमेंट. ठीक है, many tribals और आदिवासी live in forest. ये हमें पता है, they depend on the forest. ये कहाँ, किस पे depend रहते हैं, food और shelter पे. कौन, आदिवासी और different tribals के different state, इनके different tribal अलग अलग different state में रहते हैं. ट्राइबल shifting cultivation का use करते हैं ये लोग, एक जगह से दूसरी जगह खेती, इसको झूम की खेती भी बोलते हैं. अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन आर थ्रेट्स टू
ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये क्या किए, जो अर्बनाइजेशन जो है या फिर डिफॉरेस्टेशन की जो शहरीकरण और जो वन को काटना, जो काटना हो किसके लिए थ्रेटन की किसके लिए परेशानी है, ये है आदिवासी के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व मेंटेन इकोसिस्टम, और जो बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों वो क्या करता है, मेंटेन इकोसिस्टम को, रिजर्व इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से इसको क्लियर करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद लाइक ज़रूर किया करो ताकि हमें पता चले आपने देखी है कि नहीं वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।